देश में कोरोना की महामारी चल रही है, फिर भी नेता लोग अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो देश के लिए काफी शर्म की बात है। आज फिर एक बार गुजरात में कोरोना की वजह से जो मौत हुई है उसके मृत्यु दर को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। गुजरात का अहमदाबाद जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट है, जो अब डेथ स्पॉट भी बन चुका है, और दिन ब दिन गुजरात का स्वास्थ्य विभाग भी लोगों की जान बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक निजी वेबसाइट के आर्टिकल के आधार पर गुजरात के हालात को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया, गुजरात में कोरोना का मृत्यु दर अन्य राज्यों की तुलना से सबसे ज्यादा है और गुजरात मॉडल एक्सपोज हो गया है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में दावा किया कि गुजरात में कोरोना की वजह से मृत्यु दर 6.25%, महाराष्ट्र में 3.73%, राजस्थान में 2.72%, पंजाब में 2.17%, पांडिचेरी में 1.98%, झारखंड में 0.5% और छत्तीसगढ़ में 0.35% ही है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को उनकी पार्टी के नेता और गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने समर्थन करते हुए लिखा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी है और दमनवन नाम के वेंटिलेटर को फेक बताते हुए इशारा किया कि क्या इसकी वजह से ही मृत्यु दर ज्यादा तो नहीं है ना। अमित चावड़ा ने यह भी लिखा कि सरकार लोगों की मांग के बाद भी कोरोना की टेस्टिंग नहीं बढ़ा रही है और सरकार में तालमेल की कमी है और कोरोना को हराने की इच्छा शक्ति का अभाव है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देने के लिए खुद गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे एक गैर जिम्मेदार नेता है जो बिना तर्क के ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी जब भी कोई बात करते हैं उसके पीछे उनका कोई तर्क नहीं होता है, कोई इनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और कोई भी आदमी कोई कागज पकड़ा देता है राहुल गांधी को तो उसके पर वो बोल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। इस प्रकार का उनका जो वर्तन है वो पूरा देश जानता है। राहुल गांधी कोई जिम्मेदार नेता की तरह कोई निवेदन भी नहीं करते हैं। आज तक उन्होंने जो भी निवेदन किए हैं या जो भी ट्वीट किया है उसमें उनकी पार्टी को यानी कि कांग्रेस को ही नीचा देखना पड़ा है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार नेता तो बता दिया, पर इस बात को वो जुटला नहीं सकते कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग कोरोना के सामने की लड़ाई में नाकामयाब साबित दिख रहा है और गुजरात में कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। गौतम जोशी, गुजरात तक।